नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हर्बललाइफ ए फ्रेश कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये पानी गर्म हो रहा है और हो चुका है। अब मैं इसको एक गिलास में डालूँगा। ये आप देख सकते हैं ये आधा लीटर का गिलास है। आपको सिर्फ आधा लीटर सुबह जब आप खाली पेट होते हैं तब एक टाइम ही इसे फ्रेश को लेना है आधा लीटर में। बाकी आप दूसरी बार या तीसरी बार छोटे कप में लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप दूसरी या तीसरी बार पियेंगे तो इस तरह के छोटे कप में लेना है आपको। जब आप सुबह एक टाइम लेंगे खाली पेट तब इसमें लेना है। आप देख सकते हैं ये आधा लीटर का है। अब मैं ए फ्रेश इसमें डालता हूँ। चम्मच ए फ्रेश की डिब्बी में ही आती है, आप देख सकते हैं। आपको अपना घर का चम्मच इस्तेमाल नहीं करना है, जो ए फ्रेश के अंदर ही चम्मच आती है उसको ही इस्तेमाल करना है। आधा लीटर के लिए हम दो चम्मच डालेंगे। एक चम्मच मैं डाल चुका हूँ, दूसरी एक चम्मच और डालेंगे। ये आप देख सकते हैं वाटर का कलर चेंज हो चुका है और ये हमारी ए फ्रेश तैयार है। जरूरी बात ध्यान रहे, आपको सिर्फ सुबह ही आधा लीटर ए फ्रेश पीना है दो चम्मच डाल के, और बाकी जब आप दूसरी या तीसरी बार पियेंगे तो इस तरह के छोटे कप का इस्तेमाल करेंगे और उसमें सिर्फ एक ही चम्मच डालेंगे, जो कि स्पून आप देख सकते हैं ए फ्रेश के अंदर ही आती है। यह ए फ्रेश वेट लॉस करेगी, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी, जिससे आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। यह एक सबसे फास्ट तरीका होता है वेट लॉस करने का। अगर आप इस तरीके से ए फ्रेश पियेंगे तो आपका वजन बहुत जल्दी घट जाएगा। आपको सिर्फ दिन में तीन बार ही पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। सुबह आधा लीटर पीना चाहिए और बाकी जब आप दूसरी या तीसरी बार पिए तो छोटे कप में लें और एक एक चम्मच डालें। ज़्यादा चम्मच ना डालें छोटे गिलास के लिए, बड़े गिलास के लिए आप सिर्फ दो चम्मच डालें। अगर आप इस तरीके से पियेंगे फ्रेश तो आपका वजन बहुत जल्दी लूज होगा, आपके अंदर बहुत एनर्जी आ जाएगी। जब आप सुबह या खाली पेट पी लेंगे तो दिन भर आपको जब आपको यूरिन आएगा तो उससे आपके अंदर जो टॉक्सिन्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। इसलिए आप सुबह खाली पेट ये फ्रेश को जरूर लें। धन्यवाद। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसे फ्रेश को परचेज कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद।